अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाना बताएंगे आपको बिना मावा का खोपरा पाक, जिसे हम कोकोनट बर्फ़ी भी कहते हैं। तो इसे हम 5 मिनट बनाकर रेडी करेंगे। तो आइए इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई पहले से गर्म होने के लिए रख दी थी, इसमें मैं यहाँ पर 200 ml दूध डाल रही हूँ। और अगर आप कटोरी से कप से मेजरमेंट कर रहे हैं तो यहाँ मैंने 2 कटोरी दूध लिया है, उसी हिसाब से मैं यहाँ पर 1.5 कटोरी शक्कर डालूंगी। शक्कर हमारी यहाँ पर 150 ग्राम है, क्योंकि हमने यहाँ पर दूध 200 ml लिया है, तो मैं यहाँ पर 150 ग्राम शक्कर डाल रही हूँ। और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इससे कम भी कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर हरी इलायची 2 से 3 पीस कर रखी थी, अब मैं इसे इसमें डाल देती हूँ। इसके बाद अब हम इसमें यहाँ पर मैंने खाने का फूड कलर डाला है, जिसे मैंने पहले से ही दूध में मिक्स करके रख दिया था, मैंने इसे यहाँ डाल दिया है। अब यहाँ पर दूध में उबाल आ चुका है, अब मैं इसमें डेसिकेटेड कोकोनट डाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने डेसिकेटेड कोकोनट 2 कटोरी लिया है, क्योंकि हम कटोरी की माप से इसे बना रहे हैं, तो मैंने इसे 2 कटोरी लिया है, ये 200 ग्राम है। इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमें यहाँ पर दूध के उबाल आने तक ही, दूध को 5 मिनट तक ही उबालना है, उसके बाद हम इसमें डेसिकेटेड कोकोनट डालेंगे। डेसिकेटेड कोकोनट को हम नारियल का बुरादा या फिर खोपरे का बुरा भी कहते हैं। हमने इसे यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप इस रेसिपी को घर पे जरूर से ट्राई कीजिए। बिना मावे का खोपरा पाक है, जो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। इसके बाद मैं यहाँ पर 1 चम्मच देसी घी यूज कर रही हूँ। देसी घी मैं यहाँ पर इसलिए डाल रही हूँ कि इसमें हमारे खोपरा पाक में अच्छे से शाइन आएगी और बहुत ही मॉइस्ट बनकर रेडी होगा ये, और बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। फूड कलर ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें वरना इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर गैस बंद कर दिया है। अब मैं इसे यहाँ पर एक प्लेट में पहले से इसे हम ग्रीस कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इसे घी से ग्रीस कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ पर हमारा खोपरा पाक का जो हमारा मिश्रण है उसे निकालेंगे। ये देखिए, इस प्लेट में मैं इसे निकाल देती हूँ और अब हम इसे यहाँ पर सेट कर लेंगे। मेरी रेसिपी आपको कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये देखिए, इस तरह से हमें यहाँ पर इसे सेट करना है। आप इसे किस तरह से कितना मोटा रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसे सेट कीजिए। अब देखिए, मैं इसे यहाँ पर खोपरे के ब्रश पर थोड़ा सा डाल रही हूँ। अब आपका जब भी मीठा खाने का मन हो या कोई मेहमान आ जाए तो फटाफट इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। और देखिए, अब हम इसे शेप में काट लेते हैं। आप चाहे अपने मनपसंद शेप में इसे कट कर लीजिए। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ये देखिए कितना मार्केट जैसा बनकर हमारा सॉफ्ट खोपरा पाक रेडी हुआ है और बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी हुआ है। देखिए ये कितने सॉफ्ट इसके पीस निकल रहे हैं कट करते से ही। आप चाहे तो इसे 10 मिनट के लिए सेट करके भी रख सकते हैं। अगर अच्छे सेट ना हो तो इसे फ्रीज में रख दीजिए। ये देखिए, मैंने इसे कट कर लिया है, प्लेट में सर्व कर दिया है इसे निकाल कर। इंशाल्लाह ताला आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिए। तो फिर अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह।